मोदी सरकार मकारी के साथ तैयार भी, अपने ही लोगों की सुनगुन लेती रही इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और आईटी के वजीर समेत 1000 से ज्यादा अफराद के टेलीफोन टैप करती रही। पेगासस स्कैंडल सामने आने पर राहुल गांधी भड़क उठे। एक पैगाम में मोदी को कहा कि तुम अपनी आरएसएस चलाओ, जनता को तुम्हारी जेबों की जरूरत नहीं है। इसराइली सॉफ्टवेयर से भारतीय अपोजिशन लीडरों की जासूसी, भारतीय सियासी तबके में खलबली मच गई। हिजब इख्तलाफ का पारा हाई, मोदी सरकार पर लान तान, राहुल गांधी की भी तंदो तेज तंजो तनकीद। मोदी हुकूमत ने सिर्फ सियासतदानों के ही नहीं, सहाफियों और तंजीमों के अराकीन समेत 1000 अफराद की बातचीत टेप की। उनमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी का भतीजा और आईटी वजीर सर फहरिस्त हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि हम जानते हैं कि ये सरकार हमें खुफिया तरीके से पढ़ और सुन रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक सरकार कोई नहीं हो सकती। एक पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपनी आरएसएस चलाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी और डीकोड करने की सलाहियत है, जिसे इसराइली जासूस निजाम पेगासस से मिली है। पेगासस इसराइली जासूसी कंपनी एनएसओ की मिल्कियत है। भारत समेत 10 ममालिक इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं।